नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज के मुख्य समाचार का बुलेटिन। कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के चार स्टेट्समैन कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा भी हैं, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीम सिंह और जदयू के नीरज ने कुछ आरोप लगाए हैं। सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर का कभी सम्मान नहीं किया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के लिए कुछ कड़े गाइडलाइन दिए हैं। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इनका ख्याल रखना होगा। पंजाब में रोचक प्रोटेस्ट देखने में आया। किसान भगवंत मान सरकार को तानाशाही रवैया वाला सरकार बता रही है। CPIML ने अपने कोटे के 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने भी अपने कोटे के सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में आज एक सम्मान का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से 4 स्टेट्समैन को सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर की तरफ से उनके वारिसों ने यह सम्मान ग्रहण किया। सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर, आज का दिन गौरवशाली, जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक थे, उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था, ये दस्तावेजी प्रमाण है। विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय शिवनंदन पासवान जी, जब माननीय लालू प्रसाद जी विधायक सोनपुर से थे, उस समय उन्होंने कहा अनुरोध किया माननीय लालू जी से कि लालू भाई, कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। और लालू जी ने क्या जवाब दिया? मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले आएंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहे गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं? ये माने लालू प्रसाद जी का हस्ताक्षर का ये पत्र है। हिम्मत है तो राजद खंडन करे इसका, कि लालू जी का हस्ताक्षर है कि नहीं। बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल बनते ही राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला और राज्य स्तरीय मीडिया कोषांग से सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है। यहां सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया कोषांग में विशेषज्ञों की तैनाती की गई है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो कंप्यूटर तकनीक से परिचित हैं। इलेक्शन कमीशन के अनुसार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत सोशल मीडिया ऐप पर बिना अनुमति के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स शामिल हैं। केंद्र की मोदी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर किसान अब भी हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं अमृतसर में किसानों ने राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को अमृतसर के गोल्डन टेंपल गेट के पास किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनके पुतले फूके। वहां मौजूद किसानों ने साफ साफ कहा कि जैसे केंद्र सरकार से अपनी जायज़ मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी है, ठीक वैसे ही वे अब पंजाब की राज्य सरकार की तानाशाही से भी लड़ेंगे।
पूरा मामला मार्केट कमेटी से जुड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार ने 26 मार्केट कमेटी को भंग करने का फैसला किया है, जो कि गलत है। बिहार महागठबंधन की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सभी पार्टियों की सहमति से निर्धारित फॉर्मूले के तहत पार्टी को 3 लोकसभा सीटें दी गई थीं। काराकाट, सासाराम और नालंदा से भाकपा माले के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें मिली हैं। आरजेडी ने पहले ही एक दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 को सिंबल भी दिए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली खबरों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने काराकाट सीट पर राजा राम सिंह को उतारा है। यहां उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से होगा। 2019 में काराकाट से जदयू के महाबली सिंह सांसद बने थे। आरा से सुदामा प्रसाद और नालंदा से संदीप सौरभ को प्रत्याशी बनाया गया है। अन्य नामों की लिस्ट भी तैयार है। दूसरे चरण के चुनाव का नामांकन भी शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव होना है वह है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। आरा से हमारी पार्टी के 2 बार करारी से विधायक और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलिंग ब्यूरो सदस्य कामरेड राजा राम सिंह लड़ रहे हैं और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलिंग ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है और उपचुनाव जो अगिया का होने जा रहा है वहाँ से आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी सुप्रीमो पशुपति पारस मान गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अंग बताया है। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत के लिए उनकी पार्टी समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को तरजीह देने और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति कुमार पारस ने पिछले दिनों नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हैं। वो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंची। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, उन्हें कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं हेमंत सोरेन को भी कथित जमीन घोटाला केस में अरेस्ट किया गया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं सुनीता केजरीवाल से मिलकर उनका दुख दर्द बांटने आई थी। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपने व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनमें मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहे। इस तरह के न्यूज में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे।